अस्सलाम वालेकुम जी। एक और जो हमारे पास क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने सॉल्व किया था मोनोपोली को, और इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया था कि वी यूज्ड अ टेक्निक विच इज़ वर्क बैकवर्ड्स। हमने देखा था डिवाइस अ प्लान में कि हम डिफरेंट प्लान्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना लें, इंफॉर्मेशन को दोबारा से चेक करने के लिए अगर कोई इमेज बनाने की ज़रूरत है वो बना लें, अगर उससे भी समझ नहीं आ रही तो वी कैन डू अनदर थिंग, दैट इज़ कि हम जो है ना एक और टेक्निक होती है वर्क बैकवर्ड्स, वो वाला काम कर सकते हैं। अगर उसकी भी समझ नहीं आ रही तो एक और तरीका ये हो सकता है कि उसे सिंपलर प्रॉब्लम में सॉल्व करें, सिंपलर उसके उसके सिंपलर वर्जन को सॉल्व करें, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द आप कह लें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, आहिस्ता आहिस्ता से उस तरफ जाना शुरू करें, ट्राई टू फाइंड आउट इक्वेशन, ट्राई टू फाइंड आउट एनी सीक्वेंस जो कि आपको नज़र आ रहा हो, कोई पैटर्न जो आपको नज़र आ रहा हो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें एक था वर्क बैकवर्ड्स। अच्छा, अब ये क्या है कि ये सारे काम हुए कि समीना ने पहले इधर पैसे दे दिए, होटल में पैसे दे दिए, फिर उसके पैसे जो थे वो आधे पैसे गुम हो गए कहीं पे, फिर उसके बाद उसने उसे 200 रुपये मिल गए, फिर उसके बाद उसने जो है ना वो कुछ और किया तो उसे दोबारा उसके पैसे जो थे वो गुम हो गए, और फिर 2500 अब उसके पास बचे हैं। ठीक है, अब इस सारे क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि उसने पैसे कहाँ घुमाए, उसने किसी को घुमाने की बजाय पैसे दे दिए, उसने किसी को पैसे उधार दिए, उसने किसी का उधार उतारा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को आपने प्लस या माइनस करना है। ठीक है, वर्क बैकवर्ड का मतलब ये है कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, दैट समीना हैज़ 2500, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि इस वक्त उसके पास कितने पैसे हैं, 2500। ठीक हो गया, अब हमने बताना क्या है, हमने बताना है थोड़ा सा देख लेते हैं कि समीना के पास इस वक्त कितने पैसे हैं, 2500। ठीक है, अभी तक। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इससे पिछले स्टेप में क्या हुआ था, यू नो वर्किंग बैकवर्ड मतलब हम एक एक स्टेप पीछे जाएंगे। शी लॉस्ट हाफ ऑफ हर मनी, जहाँ पे भी मतलब उसने जो भी बताया हुआ उसके हिसाब से एक एवेन्यू है जहाँ पे उसके पैसे जो थे वो गुम हो गए, गायब हो गए। और फिर वही वाली बात है, वाई दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे लिखा होता कि उसने किसी का उधार उतारना था तो उसने वो पैसे आधे पैसे उसको दे दिए, यहाँ पे ये भी हो सकता था कि हो सकता है उसने कोई नई चीज़ खरीद ली, उसे कुछ पसंद आ गया और वो जितने जितने उसके पास अमाउंट थी उसकी आधी रकम में से आनी थी तो उसने आधे पैसे उधर दे के तो वो कोई चीज़ खरीद ली, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो ये वाले स्टेप से पहले उसके पास कितने पैसे होंगे, कि शी लॉस्ट हाफ ऑफ हर मनी एंड नाउ शी हैज़ 2500, तो इसका मतलब है इस स्टेप से पीछे कितने पैसे होंगे उसके पास, अगर इस स्टेप को भी हम साथ में ऐड कर लें तो उस वक्त उसके पास पैसे होंगे 500। ठीक है, ये 500 हमने कैसे निकाला, हम चेक कर लेते हैं, हम साथ साथ रिव्यू करेंगे। 5000, सॉरी 5000, सॉरी 500 बोल दिया था पहले, 5000। अब ये 5000 कहाँ से आया, ये 5000 यहाँ से आया कि अब इस वाले स्टेप से इसे पढ़ना शुरू करें विथ 5000 रुपीज़। शी हैज़ 5000 रुपीज़, शी लॉस्ट हाफ ऑफ हर मनी एंड नाउ शी हैव 2500। तो वाकई उसके पास 5000 ही होंगे क्योंकि उसने आधे पैसे गुमा दिए हैं, और अब उसके पास अगर 2500 बचे हैं तो उसके पास इस स्टेप से पहले 5000 ही थे। हम इस स्टेप तक आ गए, अब आते हैं इस वाले स्टेप पे। शी कलेक्टेड 200 फॉर पासिंग गो, किसी स्टेप के बाद उसे 200 मिले हैं। अब ये हो सकता है उसने किसी फ्रेंड से उधार लिए होते, हो सकता है किसी ने उसका फ्रेंड किसी फ्रेंड ने उसका उधार उतारा होता, ये भी हो सकता है कि उसने अपनी कोई कोई कीमती चीज़ $200 में सेल कर दी होती। ये सारी चीज़ के में वी हैव नो आइडिया, लेकिन हमें ये पता है कि कहीं से उसके पास 200 आए हैं, उससे पहले इस स्टेप से पहले उसके पास ये 200 नहीं थे। तो अगर इस स्टेप से पहले उसके पास 5000 थे, तो अगर इस स्टेप को हम और इंक्लूड कर दें तो पीछे आपके पास क्या बचेंगे, यहाँ पे 4800। अब इसका क्या मतलब है, 4800 से अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, यू नो शी हैज़ 4800, शी कलेक्टेड 200 जिससे बन गए 5000, 5000 में से उसने आधे पैसे घुमा दिए जिसके बाद बचे 2500, समीना नाउ हैज़ 2500। यस, अगर इस स्टेप पर उसके पास 4800 हो तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक जा रही है। एक स्टेप और पीछे चलते हैं, ये वाला, शी देन लॉस्ट हाफ ऑफ हर मनी व्हेन शी लैंडेड ऑन ब्रॉडवॉक, चैलेंज ये भी आ गया आपके पास। अब ये वाला स्टेप अगर ऐड करें तो इससे पहले इसके पास और पैसे थे जिसमें से आधे इसने आधे से गुम हो गए थे,
इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई बाय टू करें, आपके पास क्या आ जाएगा 9600। अब दोबारा 9600 से स्टार्ट करते हैं, यू हैव 9600, आधे पैसे आपने घुमा दिए, पीछे बचे 4800, 200 रुपये आपको मिल गए, यू कलेक्टेड, तो ये बन गए 5000, 5000 में से आधे पैसे आपने फिर घुमा दिए तो वो बचे 2500, अब आपके पास 2500 होने चाहिए, वेरी गुड, 2500 होने चाहिए। उससे पीछे है समीना फर्स्ट पेड 800 फॉर अ होटल, उसने होटल में रहने के लिए 800 रुपीज़ भी दिए हैं, इसका मतलब ये पैसे देने से पहले ये पैसे भी उसके पास थे, इसका मतलब 9600 प्लस 800 वो क्या बन जाएगा आपके पास 10400, ये अमाउंट उसके पास पहले से थी, मतलब 10400 रुपीज़ उसके पास थे। अब वी कैन स्टार्ट विथ 10400, वही मतलब हम लोग पिछले स्टेप बैकवर्ड जा रहे थे ना, तो वहाँ से अब हमारे पास सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, हम देखते हैं, विल स्टार्ट विथ, वी आर रिव्यूइंग सोल्यूशन एज वेल, 10400 से स्टार्ट करते हैं। समीना ने पहले 800 रुपये का होटल जो है वो पहले सबसे पहले 800 पे किया, तो 10400 में से 800 निकाल दिए, पीछे बचे 9600, उसमें से आधे पैसे उसके गिर गए, बचे 4800, 200 रुपये उसे कहीं से मिल गए तो बन गए 5000, 5000 में से आधे पैसे उसने गिरा दिए तो जी पीछे क्या बचे, आधे पैसे गिराने के बाद 2500, अब उसके पास 2500 है, हाँ जी 2500, अगर हम 10400 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2500 ही आ जाएगा, इसका मतलब उसके पास शुरू में अमाउंट कितनी थी 10400।